परासिया पेच कोयला क्षेत्र में हाइड्रो प्रोजेक्ट के लिए संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। सरकार के कोयला सचिव अमृतपाल मीणा ने इस सिलसिले में इलाके पर दौरा किया। उन्होंने इस सिलसिले में स्थानीय अधिकारियों से भी चर्चा की। हाइड्रो प्रोजेक्ट के सिलसिले में कोयला सचिव अमृतपाल मीणा और सीएमडी मनोज झा परासिया दौरे पर आए। उन्होंने रावणवाड़ा, सेठिया और हरनभट्टा में वाटर स्टोरेज का जायजा लिया। पेच कोयला क्षेत्र को पानी और बिजली की समस्या से उबारने के लिए वेकोली प्रबंधन से चर्चा की। क्षेत्र में सोलर प्लांट लगाने की कोशिशों के साथ हाइड्रो प्रोजेक्ट भी स्थापित करने का प्लान वेकोली कर रहा है। कोयला सचिव मीणा ने बताया कि वेकोली की अधिकांश कोयला खदानें जहां उत्पादन बंद हो गया है और रिजर्व भी नहीं है, ऐसी बंद ओपन कास्ट कोयला खदानों में भरे पानी का उपयोग कर क्षेत्र को पानी की समस्या से उबारने के साथ साथ पानी के मार्फत बिजली बनाने की संभावना पर कार्य किया जा रहा है। कई माइंस ऐसी है जिसमें कोयले का उत्खनन पूर्ण हो गया है, अब रिजर्व नहीं बचा है और वहाँ पर बड़ी बड़ी वाटर स्टोरेज बॉडी है और नेचुरल हेड उपलब्ध है, तो हम लोग ये संभावना तलाश रहे हैं कि यहाँ पर छोटे छोटे पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट, जिसको हाइड्रो प्रोजेक्ट बोलते हैं, वो स्थापित किए जा सकते हैं। इसी को देखने के ख्याल से आए हैं। अब दो जगह पर अभी भ्रमण किया और दो जगह और भ्रमण करना है, उसके बाद टेक्निकल टीम आएगी और वो डिटेल अध्ययन करेगी, उसी प्रयोजन से आया। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।